हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में जिससे हर कोई परेशान है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर, यानी उम्र से पहले बालों का सफेद होना। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर आपके बाल के जो नेचुरल कलर है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, और कितने साल के पहले अगर आपके बाल सफेद होते हैं तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे कि प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर है, और इसके पीछे क्या क्या रीजन है जो आपके बाल उम्र से पहले सफेद होने लगते हैं, और कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके बालों को सफेद होने से प्रिवेंट करेगी। तो मैं डॉक्टर रूबी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपके बालों के कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों, जो हम लोग का हेयर है उसके रूट पे एक कलर मेकिंग सेल्स होते हैं जिसको हम लोग मेलेनोसाइट्स बोलते हैं, जो कि मेलेनिन पिगमेंट का प्रोडक्शन करते हैं। उसी से बाल का कलर नेचुरल यानी ब्लैक होता है। जब इसके प्रोडक्शन में या तो कमी आ जाती है या स्टॉप हो जाते हैं तो आपके बाल जो हैं वो सफेद या ग्रे होने लगते हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या क्या रीजन है जो आपके बाल सफेद हो गए, उन बातों पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि आखिर आपके बाल कितने साल पहले, अगर आपके कितने एज में सफेद होने लगते हैं तो आपको उसको कंसिडर करेंगे कि प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर है। दोस्तों, अभी देखने को मिलता है कि आपका बाल जो है वो 15 साल में, किसी का 20 साल में, किसी का 25 साल में ग्रे होने लगता है। इवन बच्चे में भी देखने को मिल रहा है कि 8 से 10 साल में उसके बाल सफेद होने लगते हैं। तो अगर आपके हेयर 35 साल से पहले ग्रे होने लगते हैं और सफेद होने लगते हैं तो आप उसको कंसिडर करेंगे कि आपके बाल प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर है। और क्या रीजन है कि आपके बाल सफेद होने लगते हैं? तो फर्स्ट कॉज की बात करते हैं तो दोस्तों, जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके पेरेंट्स के बाल या ग्रैंड पेरेंट्स के बाल उम्र से पहले सफेद हुए तो आपको भी बहुत चांस है कि आपका भी बाल कम एज में ही सफेद होगा। सेकेंड कॉज की बात करते हैं, अगर आप लॉन्ग इलनेस से सफर कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम से आप बीमार हैं जैसे टाइफाइड से, मलेरिया से, तो उस कंडीशन में भी आपके बाल जो हैं वो सफेद हो सकते हैं। थर्ड कॉज की बात करते हैं तो दोस्तों, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कॉज है आपके बाल को ग्रे करने के लिए या सफेद करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए टोबैको, अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग करने लगते हैं। एक तो आपका स्ट्रेस इफेक्ट कर रहा है और एक जो आपके एक सिगरेट, कॉफी एडिक्शन जो है वो भी आपके हेयर पे इफेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, थायराइड डिसऑर्डर भी एक बहुत बड़ा कॉज है आपके बालों को सफेद करने के लिए। विटामिन डिफिशियंसी, स्पेशली विटामिन B12, अगर इसकी कमी भी आपके बॉडी में है तो आपके बाल जल्दी सफेद होंगे। एनेमिक, जो लड़की या जो लेडीज एनेमिक है, जिनके शरीर में खून की कमी है, तो उनके बाल भी जल्दी सफेद होंगे। या जो लोग धूप में काम करते हैं, बहुत सारे लोग बिना हेयर ढके हुए गाड़ी ड्राइव करते हैं तो जितने डस्ट हैं, धूल कण हैं, उनके बाल में जाते हैं, तो उसकी वजह से भी उनके हेयर ग्रे होने लगते हैं। बहुत ज्यादा शैम्पू, हार्ड शैम्पू का, कॉस्मेटिक का, जेल का यूज करते हैं तो वो भी एक रीजन है आपका प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर करने के लिए। तो इन सारे रीजन से, ये सारे फैक्टर हैं जो आपके बाल सफेद कर सकते हैं। तो आगे हम लोग जानते हैं कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे आप अपने बाल को सफेद होने से रोक सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, लाइकोपोडियम 30, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको गैस्ट्रिक कंप्लेन है, साथ में कॉन्स्टिपेशन है और उनके हेयर सफेद हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो लाइकोपोडियम 30 दिन में 2 बार लें, 2 बूंद सुबह एंड 2 बूंद शाम। सेकेंड मेडिसिन की बात करते हैं, एसिड फॉस 200, उन लोगों के लिए है
जिनको बहुत डिप्रेशन है, ग्रीफ है, बहुत टेंशन है और उनके साथ साथ वो फिजिकली और मेंटली वीक हैं, तो उन लोगों के लिए एसिड फोर्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। जरूर यूज करें 200 पोटेंसी, दो बार, दो बुन सुबह, दो बुन शाम। एंड लास्ट मेडिसिन की बात करते हैं हम, तो दोस्तों नेट्रम्यूट 30 उन लोगों के लिए है जो एनेमिक है, जिनके शरीर में खून की कमी है, साथ में उनको हेडेक का कंप्लेन है, जब वो सन एक्सपोजर में जाती है तो हेडेक है वो बढ़ जाता है, और साथ में एक्स्ट्रा क्रेविंग रहती है सॉल्ट के लिए। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो नेट्रम्यूट 30 दिन में दो बार लें, दो बूंद सुबह, दो बूंद शाम। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर भी कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।